भारत एक देश के रूप में अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसमें भारत ने बहुत कुछ खोया है लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा पाया है। सवाल हमेशा से उठते रहे हैं इस देश की अखंडता को लेकर, इस देश की नैतिकता को लेकर, इस देश की संस्कृति को लेकर। लेकिन जय जवान जय किसान कहने वाला भारत 21वीं शताब्दी में जय विज्ञान का नारा भी देता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत का इस समय दुनिया में कोई सानी नहीं है, जबकि दुनिया इसको कभी सपेरों का देश कहती थी। भारत की अपनी अलग अलग विविधताएं रही हैं जिनको सजोए रखने में कुछ आज हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने पेजर का भी युग देखा, उन्होंने मोबाइल का भी युग देखा, उन्होंने पत्रों का भी युग देखा, उन्होंने तार का भी युग देखा। अब उन युगों को समेट कर उनके अनुभव को लेकर हम 70वां आज 15 अगस्त के दिन अपना एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आइए उन लोगों से बात करते हैं। सर, आज हम 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस तरीके आपने एक लंबा अनुभव रहा है आपका सामाजिक और अन्य जीवन भी, आपने किस तरीके से भारत को देखा है और जो परिवर्तन आया है, सबसे बड़ा परिवर्तन इन 70 सालों में, जो आपकी उम्र भी लगभग 50-60 के लगभग है, तो एक बचपन से अब तक खासकर नैतिक रूप में बात करें तो क्या क्या परिवर्तन रहे हैं? पहले हम क्षेत्र में सिमटे हुए थे या आसपास के जो हमारे शहर थे वहाँ तक हमारी पहुँच थी। आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग में हैं, पूरी दुनिया एक हो गई है। आज पहले कभी कोई अमेरिका जाता था एक पूरे एरिया में, आज हर घर का बच्चा अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में है। तो हम ग्लोब पर हैं, आर्थिक रूप से हम काफ़ी संपन्न हुए हैं। हर क्षेत्र में भारत की काफ़ी उन्नति हुई है और ये निरंतर प्रगति चलती जा रही है। एक सिर्फ हम जो है सो कंप्यूटराइजेशन में नहीं हैं या हर क्षेत्र में कुल मिला के काफ़ी उन्नति हुई है और होती जा रही है। सर, आपने एक बात कही थी कि भारत में सब लोग अब, पहले हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में आ गए हैं, लेकिन इसके साथ एक सवाल भी खड़ा होता है, खासकर जो हमारी परंपरा रही है वो संयुक्त परिवार की रही है। कहीं ना कहीं अब फ्लैट और सोसाइटीज़ में ये टूटती हुई देखने को मिल रही है, तो इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, क्या बेहतर किया जा सकता है? ये तो केवल एक्चुअली जगह की कमी है फ्लैटों में रहने के, जॉइंट परिवार में एकता नहीं रहे, एकता अच्छाई भी है बुराई भी है। अच्छाई ये है कि एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, बुराई ये है कि भाई लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसलिए वो अलग हो गया है। आपने बात कही कि जॉइंट परिवार की अच्छाई भी एक कारण है, वो जगह का नाम जगह का है। और इस समय हमारे देश की जो जनसंख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और आंकड़ों पे नज़र डालें तो शायद हम बहुत जल्दी चाइना को भी पीछे कर देंगे। तो आपके समय से ही परिवार नियोजन और बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन उसका कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा है, उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण है? कारण ये है कि चूँकि अशिक्षा काफ़ी है, अशिक्षित लोगों की संख्या काफ़ी है, वो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। जो देहात और कस्बे में लोग रहते हैं, शहरी क्षेत्र के लोग ठीक हैं, जो नए स्टूडेंट हैं वो सब ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो देहात एरिया में है उनको ये सब चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है। और जितना फंड गवर्नमेंट ने उसमें बर्बाद किया है उसमें उतना सुधार नहीं पाया जितना होना चाहिए था। इसलिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, तभी जाकर हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं जनसंख्या मामले में। शिक्षा की बात कही आपने, शिक्षा भारत में इसको पहले प्राथमिक लेवल पे, प्राथमिक विद्यालय या सरकारी विद्यालय, आप में से अधिकांश लोग, खासकर मेरे दादाजी के भी समय में अगर मैं बात करूं तो सभी लोगों ने सरकारी स्कूलों से पढ़ाई की है। लेकिन आज के दौर में हम लोग बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट और इस तरीके से शिक्षण संस्थान हैं जो बहुत महंगी फीस वसूलते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ तब की रही हैं जो कि शिक्षा में आज इस तरीके से सरकारी स्कूलों का पतन हुआ है, जो कि शायद आप लोग आज जो भी हैं उन स्कूलों की बदौलत हैं, उसको लेकर सर आपका कैसा अनुभव रहा है? अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया तब और अब के गवर्नमेंट स्कूल में क्या फ़र्क पाते हैं? वास्तव में यह है कि हमारे देश में जनसंख्या का जो दबाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और जो सुविधाएं हैं वो उस रूप में नहीं बढ़ी है। पुराने समय में उतना लोग विद्यार्थी उतने नहीं होते थे, जबकि शिक्षण संस्थाएं ज़्यादा होती थी। अब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, इसलिए उसका जो है कॉमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो गया। भारत को कहा जाता है कि युवाओं का देश है, 2030 तक दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा इस
देश में होंगे, लेकिन एक उसके साथ साथ चुनौती है उन युवाओं को सही रोजगार देने की, उन युवाओं को बेहतर भविष्य देने की, और जो कि कहीं होता नहीं दिख रहा है सही मायने में। जैसे कि अगर नौकरियों की बात करें तो 2000 से 2010 तक लगभग 8 करोड़ लोगों को नौकरी मिली थी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद से आंकड़े घटते जा रहे हैं। खासकर इस सरकार की बात करें तो पिछले 2 सालों में मात्र 33 लाख सरकारी नौकरी लोगों को मिली है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि भविष्य जो है भारत का, खासकर युवाओं का, अंधकारमय है? नहीं, ये बात ठीक है कि कम मिल रही है तो लोगों को बहुत बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी मिल रही हैं, कई अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए इंस्टीट्यूशन बहुत बन गए हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा वो चाहिए इनके लिए नौकरियों के अवसर, और सरकार विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी काम भी कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये थोड़ा सोल्यूशन होगा कोई ना कोई, मेरे को ऐसी उम्मीद है। आपने कहा कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन होगा सरकार के पास, लेकिन आप लोगों के समय में नौकरियों को लेकर किस तरीके की चुनौतियां आप देखते थे और अब के समय में क्या क्या चुनौतियों में उनमें फ़र्क है? अब जो चुनौती कुछ ज़्यादा ही हैं, पहले इतनी चुनौती नहीं होती थी, पहले आराम से नौकरी लोगों को मिल जाती थी। अब गवर्नमेंट सर्विस में नौकरी बहुत कम लोगों को मिलती है और उम्मीद है कि आगे थोड़ा सा सुधार होने के चांसेस हैं। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, हमने ये तीन रूप पाए हैं और भारत में तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही है, लेकिन किसानों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आप ही देखिए, एक समय था जब 70% से अधिक आबादी, जो कि आंकड़ों में आज भी 67% है, किसानी पर निर्भर रहती थी, लेकिन किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। खासकर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज खड़े हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को उनका बकाया मिलने में 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं। सरकारें आती हैं, वादा करती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लोग किसानी से दूर होते जा रहे हैं और आने वाले समय में अन्न उत्पादन पर इसका साफ असर दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि सरकार जो एक लॉबी के तहत काम करती है, लॉबी वाले चंदा देंगे, किसान चंदा नहीं देगा, किसान आपको सिर्फ वोट देगा। वोट की चिंता आपको होगी, जब 5 साल बाद समय आएगा तब, एक बार सत्ता में आ गए तो उन लॉबियों के प्रेशर में आप आ जाते हैं जो कि आपको चंदा दे रहे हैं, इसलिए भुगतान नहीं हो रहा, किसान मर रहा है। आज अनाज के रेट क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि दलाल सक्रिय हैं, दलाल का कंट्रोल आप नहीं कर सकते, क्योंकि चंदा देते हैं। ये सरकार इस समय फिलहाल काम कर रही है, ये सब दलाल सरकार है, दलालियों कभी भी किसान को उत्थान नहीं पाएगा। सरकार दलालों के दबाव में काम कर रही है। अब इसी पर बात करते हैं कि एक समय था जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री हुए थे, एक समय था जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री हुए थे, जिनकी बातों पर आंख मूंद कर बच्चा बच्चा भी विश्वास कर लेता था कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है। राजनीति में इतनी नैतिकता थी कि बहुत भरोसा करते थे लोग नेताओं पर। अब इस समय क्या आपको लगता है वो भरोसा लोगों का, खासकर युवाओं का या बुजुर्गों का, उन नेताओं पर कायम है, आपके समय के जो नेता थे और अब के जो नेता हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है आपके नेताओं पे भरोसा करना। जो बोलते हैं, जिस टाइम इलेक्शन होता है आके भाषण देना शुरू करते हैं कि ये कर देंगे ये कर देंगे, इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं सब। आपने कहा कि आज सभी नेताओं पे विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन कुछ होते हैं। अन्ना आंदोलन के बाद से ही अरविंद केजरीवाल और उसके बाद नरेंद्र मोदी का भारत में उदय होना, एक दो तरह की राजनीतिक रूप से देखा जाए तो एकदम डिफरेंट राजनीति हुई। खासकर पहली बार इस देश में डेवलपमेंट एजेंडा बना आज़ादी के बाद। हालांकि इंदिरा गांधी ने भी एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, लेकिन वो नारा नारा ही रह गया। तो अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे जैसे यूथ, अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल जैसे यूथ का राजनीति में आना और बहुत कम समय में मुख्यमंत्री बनना, उसके बाद कई युवाओं को राजनीति में मौका मिलना, और खासकर नरेंद्र मोदी के राजनीति में आने के बाद से, प्रधानमंत्री बनने के बाद से इस देश में एक बात चल रही है कि जो भी राजनीति हो, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, ये ठीक है कि हर पॉलिटिकल में जो भी पॉलिटिक्स है वो वादे जरूर करते हैं, लेकिन वो कितने इम्प्लीमेंट हो पाते हैं, मेन बात ये है। अगर केजरीवाल हो या मोदी जी हो या और कोई भी हो, जो भी पॉलिटिक्स में है, वादे तो सभी करते हैं, लेकिन उसमें कितने इम्प्लीमेंट हो पाते हैं, कितने वादे वो पूरे कर पाते हैं, मेन बात ये है। अगर ये वादे पूरे करें तो देश और पब्लिक यूनाइट होगी, उनको साथ देगी। उनको साथ देने का मतलब ही ये है कि उनके वादे पूरे होने चाहिए।
आपने कहा कि नेता जो वादे कर रहे हैं उनको पूरा करें। एक सवाल और उठता है, जैसे नौकरियों में रिटायरमेंट की उम्र होती है, क्यों ना राजनीति में भी रिटायरमेंट की उम्र तय की जाए? देखिए, राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र तो तय होनी ही चाहिए, और राजनीति में वही आदमी जाए योग्यता के अनुसार, कम से कम BA करके ही राजनीति किया जाए, और राजनीति जो करते हैं वो अपनी जवाबदेही समझे, और जवाबदेही नहीं समझने के चलते ये सब बुराइयां आ रही है। और हम जो फील करते हैं, जो यहाँ सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया जाता है, पद पर बन गए, अपने लोगों को कुछ न कुछ कर दिए, और उसके बाद जो है सो अपना धन कमाने के फेरा में लगे रहते हैं, इसलिए इसमें नैतिकता की बहुत कमी आ गई है, और इस मामले में हम लोग बहुत पिछड़ रहे हैं। आपने नैतिकता की बात की जो बेहद अहम है, खासकर भारत के संदर्भ में अगर नैतिकता को उठाया जाए तो हमारे परिवार में या हमारे संस्कार में कह दीजिए कि नैतिकता बचपन से ही सिखाई जाती थी, और महापुरुषों की कहानियां हो या कोई और अन्य तरीके हो, उनसे दादी नानी समझाती थी कि ये काम गलत है, ये काम सही है। लेकिन आज अगर बात की जाए तो राजनीतिक स्तर पर चाहे नैतिकता की बात की जाए, चाहे सामाजिक स्तर पर नैतिकता की बात की जाए, चाहे आर्थिक स्तर पर नैतिकता की बात की जाए, कहीं भी इस देश में नैतिकता का पतन होता साफ दिखाई दे रहा है। चाहे उसको घोटालेबाजी के रूप में, आर्थिक रूप में लीजिए, राजनीतिक अभी चर्चा हम लोगों ने की है, और सामाजिक स्तर पे जिस तरीके से बूढ़े माँ बाप जो वृद्धा आश्रम की इस देश में संख्या बढ़ती जा रही है, अपने आप में एक चुनौती है। जहाँ हम माँ बाप को धरती और आकाश से ऊपर रखते थे, लेकिन आज वही माँ बाप वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस नैतिकता को लेकर, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई डेवलपमेंट होगा तो उसका दूसरा पहलू भी विभत्स होता है, तो नैतिकता का ह्रास तो हुआ ही है। चूँकि एक चीज़ थी, संयुक्त परिवार की बात आपने पहले की थी, संयुक्त परिवार तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आज के माहौल में जो फास्ट लाइफ है, जो बच्चे पूरे ग्लोब पर है, तो वहाँ संयुक्त परिवार का होना ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल भी है, ये हो नहीं सकता है। कोई किसी शहर में, कोई किसी देश में है, ये तो है, लेकिन जहाँ तक बात नैतिकता का है, जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक शिक्षा है, वो तो दी नहीं जा रही है। फास्ट लाइफ है, हर चीज़ जो है सो फास्ट फूड है, शिक्षा भी फास्ट एजुकेशन है, तो जो बेसिक नीड था, जो बेसिक जो घरों में जो शिक्षा स्टार्ट कराई जाती थी, उसमें कमी हुई है, तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनमें नैतिकता की कमी तो होगी, और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। जब तक इसमें नहीं सुधार होगा, बाकी किसी भी चीज़ में हम डेवलप कर जाएं, उसका कोई माने नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे नैतिकता पे बात आई है, नैतिकता को वापस इस देश की संस्कृति में घोलने, मिलाने के लिए, और ख़ासकर युवाओं को फिर से एहसास दिलाने के लिए कि भारत का जो कल्चर है उसमें सिर्फ ग्रोथ का मतलब नहीं है, उसमें सर्वांगीण विकास का मतलब है, उसमें मान सम्मान का मतलब है, उसमें स्वाभिमान का मतलब है, इसको किस तरीके से युवाओं तक पहुँचाया जाए और क्या क्या प्रोसेस हो सकता है? इसमें पहले तो शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा। नैतिकता के जो पाठ पढ़ाई जाती थी पहले, वो नहीं पढ़ाई जा रही है। हर जगह जो अंग्रेजी स्कूल, कन्वेंट के स्कूल खुल गए हैं, उसमें इसकी बहुत कमी हो गई है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि भाई माता पिता क्या करना है, वहाँ ABCD से शुरू हो जाती है पढ़ाई, और वो हमारे कल्चर को फॉलो नहीं कर पाते हैं। सारे विषय में शिक्षा में सुधार की जरूरत है, उसके लिए शिक्षा नीति बनाई जाए और उस तरह से बच्चों को ज्ञान दिया जाए, ये एकदम जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस देश की शिक्षा नीति को बदलने के लिए, अगर भविष्य के भारत को और बेहतर बनाना है, और ख़ासकर जो नैतिकता इस देश में खोई जा रही है, कहीं ना कहीं उसको पाने के लिए शिक्षण संस्थाओं को साथ साथ घरों में और आसपास के इस माहौल को इस तरीके से किया जाए कि भविष्य का भारत केवल विकसित ना हो बल्कि सर्वसम्मित रूप से विकसित हो। और जो एक योजना है और जो एक बात हमेशा से कही जाती है कि आने वाले समय में ये भारत विश्वगुरु जरूर बनेगा, लेकिन कुछ कमियों को दूर करके। कैमरामैन जॉन के साथ निशांत राय, मेट्रो TV, गाज़ियाबाद।